कि जब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गए आपको कोई मैं कहानी नहीं सुनाया, कुछ लेसन नहीं दिया, तो चलिए फिर आज की एक कहानी आपको इस वीडियो में हम सुनाते हैं। तो दोस्तों, होता ऐसा है कि एक गाँव में एक बहुत बड़ा किसान रहता है, एक जमींदार रहता है। क्योंकि वो जमींदार रहता है, उसके पास खेत बहुत सारे होते हैं। सो वो एक व्यक्ति तो उन सारे खेतों पे अपना कब्जा नहीं जमा सकता था। इसलिए मतलब कब्जा कहने का मतलब वो खेती तो हर खेत पे नहीं कर सकता था, उसके लिए लोग चाहिए थे। तो उसने क्या किया, बाजार में जाकर लोगों को खोजा, अपने गांव से लोगों से बात की, मतलब जो उस शेड्यूल कास्ट के लोग होते थे उनसे पूछा कि क्या आप ऐसा करना चाहोगे, ऐसा क्या आप हमारे खेत में आकर काम करना चाहोगे। बहुत ने तो उनको साफ साफ मना कर दिया और बहुत से ये संतुष्ट नहीं हुए। उनसे एक क्वेश्चन में पूछा करते थे, जो इसमें पास भी हुआ उनको भी ये नजर अंदाज करते चले गए। हुआ क्या, समय बीतती गई, महीने बीते, तभी एक आदमी इनको उस टाइप का मिला जैसा कि ये चाह रहे थे। लेकिन जब ये आदमी मिला तो उनसे उसका नाम वगैरह सब चीज पूछा गया। तब उस किसान ने उनसे इंसान से पूछा, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे खेत में काम कर सकते हो, वहां बहुत आंधी आते हैं, तूफान आते, तुमसे नहीं होगा मेरा खेत में काम, तुम छोड़ दो, तुमसे नहीं होगा। और इंसान फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, मैं पैदा किस लिए हुआ, मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगा आपके खेत में, बस आप मुझे इजाजत तो दीजिए। लगता है कि चलो कुछ ठीक है बंदा, चलो इसको सिलेक्ट किया जाना चाहिए। अब आगे जब चलते हैं तो वो जो इंसान रहता है जिसको ये सिलेक्ट करते हैं, वो क्या बोलता है ये सुनिएगा कि देखिए, मेरी सिर्फ एक शर्त है, आप सैलरी मुझे दो ना दो वो मैटर नहीं करता, और मुझे खाना आपको नहीं देना पे भी एक साम चलेगा, लेकिन जो एक मेरी शर्त है उसे आपको माननी पड़ेगी, तभी मैं आपके खेत में काम करूंगा। तो पूछते हैं कि भाई कैसी शर्त, तुम किसान, तुम्हारी भी शर्त होती है? तो कहा बिल्कुल होती है। तो कहता है बताओ। तो वो बोलता है कि हमारी शर्त इतनी है कि जब हवा चलती है तो मैं सोता हूँ, कि जब हवा चलती है तो मैं सोता हूँ। ये ऐसी वर्ड उसने बोली। तब ये कहा उसको, जो किसान था उसको इस बात समझ में नहीं आई कि ये हवा चलती है मैं सोता हूँ, इसका मतलब क्या होता है। उसने कुछ नहीं किया, कहा छोड़ो कोई भी मतलब हो, आगे निकलते हैं यार, अच्छा बंदा मिल गया। उसको घर ले जाते हैं, उसको अपनी सारी प्रॉपर्टी डील दिखाते हैं कि देखो ये मेरा खेत है, यहीं हम लोग फसल उगाते हैं और यहीं से तुमको काम करना है। और इंसान कहता है चलो कोई नहीं, हम इसलिए तो आए हैं। उसको एक कुटिया में रख दिया जाता है। थोड़े दिन बाद क्या होता है कि बहुत तूफान, मतलब बहुत गहरी हवा, बहुत ज्यादा हवा चलती रहती है, तूफान सा आया हुआ रहता है और खेतों में लहराते हुए जो फसल है वो डूबने के कगार पे सभी के रहते हैं, और इंसान मजे से नींद में सोया हुआ रहता है। अब क्योंकि मालिक तो मालिक होते हैं, वो आए उधर से बोले कि अरे तुमको रखा किस लिए यार, कि तुमको किस लिए अपॉइंट किया जब तुम देख ही नहीं रही हो, तुम कहते हो हवा चलता है तो मैं सोता हूँ, यार तुम काम भी करोगे या सिर्फ मेरा पैसा लेते हो। अब वो बोला कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जब हवा चलती है तो मैं सोता हूँ। बस उसने यहां से डिफाइन तक नहीं किया, इसका मीनिंग नहीं बताया कि जब हवा चलती है तो मैं सोता हूँ का मतलब क्या है। और किसान जी कहते हैं कि पागल हो गया, चलो छोड़ तुमको जॉब से निकाल ही देना, पहले मैं अपना फसल को बचाऊं। वो भागे भागे खेत के पास जाते हैं और फसल को देखते हैं तो फसल बिल्कुल सही तरह से गठिया बांध के रखा हुआ रहता है। उसके बाद इस किसान को उसका असली इस जमींदार को असली मीनिंग पता चलता है कि जब हवा चलती हूँ इसका मतलब क्या है, मतलब कि जब प्रॉब्लम आने से पहले ही हम अपने आप को प्रिपेयर कर ले, तैयार कर ले, क्योंकि प्रॉब्लम यार लाइफ का एक हिस्सा है, बट क्यों हम उसे हिस्सा बनाए, ये पार्ट ऑफ लाइफ है लेकिन हम उसको बनाना नहीं चाहते हैं। हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको हम अपने लाइफ में दखल देने की इजाजत दे सकते हैं, लेकिन हम प्रॉब्लम को क्यों दे। मैं प्रॉब्लम को दूंगा ही तो उसको सॉल्यूशन के लिए, ताकि मैं उसको सॉल्यूट कर पाऊं। इसलिए और उसको तब मनिंग में समझ में आया कि जब हवा चलती हूँ चलता है तो मैं सोता हूँ, इसका मतलब है कि मैं पहले से ही प्रिपेयर्ड था इस हवा के लिए। सो गाइस, आपसे मैं यही बताना चाहता था कि आप भी आज रेडी होइए कल के लिए, नहीं तो कल आपके साथ ऐसा हो सकता है। सो बी अवेयर। बहुत सारे लोग थे जो बहुत सारे लोग इनको अपॉइंट किया था, लेकिन बहुत सारे लोग से ये फसल नहीं हो रहा था, लेकिन एक बंदे ने बस इतना ही कहा कि जब हवा चलती है तो मैं सोता हूँ, इसका मतलब आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा, और समझ में आया होगा तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। बिफोर
प्रिपेयर बिफोर द प्रॉब्लम और सिचुएशन। सो दोस्तों क्यों ना इस कहानी को आज हम असलियत मानकर पहले से ही तैयार रहे कि हमें आगे क्या करना है, फ्यूचर में क्या करना है। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आप फ्यूचर में जो करोगे वो आज ही से उसके टेंशन लेते रहिए, लेकिन फ्यूचर प्लानिंग आप कर सकते हो या नेक्स्ट इनफैक्ट कल जो करना है वो आज हम क्यों ना सोच के रखे ताकि मुझे आसानी होगी। हर काम के लिए प्लानिंग होती है, सो बी अवेयर। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नए और अच्छे वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम। कीप सेफ एंड स्टे होम, स्टे हेल्दी।